प्रेगनेंसी में काफी प्रेग्नेंट लेडीज की नींद डिस्टर्ब रहती है, उन्हें नींद अच्छे से नहीं आती। इसका क्या कारण हो सकता है और इसके क्या उपाय होंगे, आज इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका कारण क्या हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और बैक पेन इसका एक कारण हो सकता है जो कि प्रेगनेंसी में कॉमनली देखने को मिलता है। सेकेंड, लेग क्रैम्प्स, सोते समय टांगे अकड़ जाती हैं और बहुत ज्यादा पेन होता है जिसकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो जाती है। एसिडिटी या फिर हार्ट बर्न की वजह से प्रेगनेंसी में यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से हमें बार बार उठना पड़ता है और वॉशरूम जाना पड़ता है। किसी प्रेग्नेंट फीमेल का पास्ट में अगर कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहता है जैसे कि मिसकैरेज हुआ हो तो उसे यह डर रहता है कि इस बार मेरा बच्चा कैसा रहेगा, ठीक रहेगा या नहीं, या फिर मेरी डिलीवरी कैसी होगी, नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन होगी। किसी भी रीजन की वजह से स्ट्रेस हो जिसकी वजह से नींद डिस्टर्ब रहती है, इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, मतलब आपको आपके सोने और उठने का टाइम फिक्स करना है। अगर आप कभी जल्दी सो रहे हैं कभी लेट सो रहे हैं तो इससे आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहती है। अगर आप अपने सोने का टाइम फिक्स कर लेते हैं तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको उसी टाइम पर नींद आ जाएगी जो टाइम आपने सोने के लिए फिक्स किया था। सेकंड, डाइटरी चेंजेस, अपने खाने पीने में थोड़ा चेंज करें, जैसे कि कैफीन का इंटेक कम करें, रात का खाना जल्दी खाएं कम से कम सोने से 1 से 2 घंटा पहले, सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध ले सकते हैं। थर्ड, बॉडी मसाज, आपके घर में जो भी ऑयल अवेलेबल है जैसे कि नारियल तेल और सरसों का तेल, उससे हल्के हाथों से अपने पूरी बॉडी पे मसाज करें। अगर आप पूरी बॉडी पे मसाज नहीं कर सकते हैं तो सिर, कान और पैरों के तलवों पर जरूर मसाज करें। इससे आपके शरीर में बढ़ी हुई मस्कुलर टेंशन रिलीव होगी और आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। सोने से पहले लिक्विड का थोड़ा इंटेक कम करें जिससे आपको बार बार यूरिनेशन के लिए न उठना पड़े। सोने के लिए एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मेंटेन करें। सोते समय जो आप मैट्रेस और पिलो यूज कर रहे हैं मेक श्योर कि वह आपको कंफर्टेबल हो। सोते समय आप जो कपड़े पहन रहे हैं वह लूज और कंफर्टेबल होने चाहिए। सोने से पहले लाइट और सूदिंग म्यूजिक सुनो या फिर कोई भी बुक रीड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। यह आपको माइंड रिलैक्स करने में हेल्पफुल होगा और इससे स्ट्रेस भी कम होगा। मेडिटेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, आप अपनी रूटीन में मेडिटेशन को ऐड करें, इससे आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी बॉडी और माइंड रिलैक्स रहेगा। इसके लिए आप किसी योगा ट्रेनर की हेल्प ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन मेडिटेशन की क्लास मिल जाती है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब टिप्स फॉलो करने के बाद भी अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है तो आपको अपने गायनेक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।